तो मैं फंसा हुआ हूँ एक सन की बुढ़िया के घर में जिसको बोलते हैं चुड़ैल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या करूँ, और कि इससे बचने के लिए मुझे पढ़नी होगी एक बार बुक। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, इस बुक में तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, और देखो तब भी मेरे को मार रही है, और अब बुक पढ़ने के बाद भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो, तो मिलता हूँ वीडियो के। हाउ ओल्ड आर यू? 8, 20, 40, 60। प्लीज प्रोवाइड योर एज। सो वी ऑप्शन ऑप्टिमाइज्ड कोस्ट टू वी। नहीं मैं 22 साल का नहीं हूँ, मैं ना 16 साल का हूँ, मैं हूँ यार 18 का हूँ मैं इस समय। तो क्लिक ऑन दी 18 ईयर्स ओल्ड। आइए बुक दे रखी है, तो इस बुक पे मेरे को कुछ पढ़ना होगा, लेकिन क्या यार गेम खेलने आए हो, पढ़ाओगे मेरे को? अच्छा ये सारे कंट्रोल्स है, कौन सी मोस्ट है या फिर सिचुएशन है, ये तो वो है। मैं फिर घोस्ट खेल सकता हूँ, हार्ड या एक्सट्रीम? तो भैया मैं पहली बार खेल रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल पर ट्राई करूँगा। और ये है चैप्टर 2 द रेड हुड, यानी कि इसका चैप्टर 1 भी है यार। By the way of the game, the girl, but अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कॉमिक बुक है क्या? And optimize she the post up to the home, then timey। चलो ये सब तो फालतू चीजें, देखते हैं यहाँ क्या है। ये शायद मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ से मेरे को इसको इस्तेमाल करना है। मतलब कि हमको बेसिकली क्या करना है कि हमको इस गेम में एक बुढ़िया से बचना है जो कि विच है। जैसे कि सेलेंड्रिना वाली, सेलेंड्रिना कह रहा हूँ, उस सिंड्रेला वाली स्टोरी में एक विच थी ना, वैसी विच है, लेकिन हमसे उससे बहुत अलग। और ये अपने पास एक जादू की छड़ी है शायद से, जो कि जलाने वाली है या मैसेज करने वाली, मैजिक करने वाली है। सॉरी, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर जगह चमकीली चीज़ें पड़ी हुई है, कुछ तो सोच के करा होगा इन्होंने, लेकिन क्या? और ये क्या भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई, अचानक से कैसे यार? एक ही लाइफ है क्या इसके अंदर? शायद एक लाइफ है इसके अंदर, और एक ही करने वाली है। क्या है भाई, क्या मुझे खाएगी? ओह नो, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कह दो कि ये झूठे कर। अबे भाई, हम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई करंट मार दिया कसम से। तो मैं एक बार फिर से खेलूंगा और देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो अभी ये सब मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही, तो मैं इसको स्किप करता रहूँगा। तो बैक टू द गेम, तो वहीं से स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर पहले था। बस एक बार अपने को ट्राई करना है। और ये बुक मैंने पहले नहीं खोली थी, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ नहीं, तो मैं चलता हूँ आगे, और शायद इस बार मैं बच जाऊँ उस भूतनी से जो भी है वो। क्या लिखा है? आई नीड टू द बी होर इस केयर पिक, तो इसके चक्कर में पढ़ना रह गया, कोई बात नहीं। ये वही वाला घर है क्या जो पिछली बार? सही नहीं यार, पिछली बार तो बस एक बग्गी खड़ी थी, उसके बगल वाला घर था ना, ये तो कुछ लकड़ी का कुछ हाउस सा है, और शायद इसके अंदर जाने के लिए रास्ता है। अगर मैं बैठ के जाऊँगा तो शायद पहुँच जाऊँगा, लेकिन रुको एक मिनट, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा आगे पीछे देखता हूँ कहीं दरवाज़ा खुला मिल जाए, क्योंकि हम आज भी उस गेट में नहीं घुसते जिसके दरवाजे बहुत छोटे होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये देखो, ये रहा वो घर, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसे ही नहीं घुस सकता मैं, यानी कि मुझे ताला यूं करके ले। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर तो यार सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है ना, सारी चीज़ें लकड़ी की है ऑलमोस्ट। बस एक बार समझ में आ जाए करना क्या है मुझे, तब मैं शायद इस गेम को पूरा कर पाऊँगा। बस नज़र, अरे वो तो देख पीछे, ये तो वही है, ये भूतनी मेरा पीछा करेगी यार, भागो जल्दी भागो। साई तू मेरे पीछे ना पड़ पाएगी, ताई हो ताई।
शायद यहाँ पे जाकर मैं छुप सकता हूँ, शायद ये यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि जंगल टाइप है और मैं जंगल के अंदर घुस चुका हूँ, ये सब फॉरेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकलूँ, तो मैं इस एरो को दबाऊँ क्या? तो देखो मैं फॉरेस्ट से तो बाहर निकला, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस ग्रैनी का पीछा करना है यार, मैं देखना चाहता हूँ ये करेगी क्या मेरे साथ। ओ ताई मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, हाँ चलो भाई चलते हैं ना। ओ ताई एक सेकंड, मैं इस वापस यहाँ क्यों आया, मुझे इस भूतनी का पीछा करना है, सीधा चलते हैं भूतनी का पीछा करते हैं और बाद में देखेंगे कि ये कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। वो देखो सामने जा रही है तो मैं उल्टी तरफ जाके देखूँगा जहाँ से ये जाएगी, मतलब ये जा रही है उल्टे हाथ की तरफ तो मैं जाऊँगा अपने सीधे हाथ की तरफ। यार यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब लेफ्ट में गई है तो अपन राइट में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक दरवाज़ा मिला मेरे को, वो भी उसी गेट का जो मैं नहीं खोल पाया, और यहाँ पर कोई तो छोटा सा रास्ता है, क्या मैं पहाड़ी पर चढ़ सकता हूँ? नहीं मैं नहीं चढ़ सकता, लगता है मैं फंस गया। और ये क्या है भाई, लेटर बॉक्स जहाँ पर डाकिया डालते हैं कुछ मेल वगैरह जो आते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, इसको ओपन करने के लिए मुझे चाहिए होगा एंट्री वन ऑफ द एक्सट्रीम। तो यार समझ नहीं आ रहा गेम में क्या है यार, बाकी हॉरर गेम से बिल्कुल ही अलग है, और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं खेला, देख रहे हो ये सेकंड चैप्टर है इसका मतलब। और ये क्या है भाई, ये जलने वाला मैजिक है क्या यार, मुझे कोई बताओ। और वो सामने से आ रहा है इसको भाई, यार शिट अभी किधर जाऊँ, मम्मी इतने पकड़ लिया, पकड़ लिया मुझे, मैं पिछली बार भी ऐसे हुआ था, अब मुझे को समझ में नहीं आ रहा यार कैसे पूरा करूँ मैं इस गेम को, तो मैं इसको फिर से कल से ट्राई, कल एक बार फिर से ट्राई करूँगा, अब क्या होगा कि ये मेरे को फिर से जला देगी। अब मैं यार एक बार मेरे को एक बात तो बताओ कि मैं इसको कैसे हराऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कैसे हराऊँ इसको मैं, देखो फिर से जला दिया इसने मेरे को। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, बल्कि इसी वीडियो में अगली बार यानी कि कल, बाय बाय। Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.